हेलो गाइस, गूगल कैमरा से अगर आपको बेस्ट क्वालिटी फोटोग्राफी करनी है तो आपको बेस्ट गूगल कैमरा के साथ एक कॉन्फिग फाइल एंड बेस्ट सेटिंग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आप बेहतर क्वालिटी फोटोग्राफी कर पाओ। तो कल हमने दिखाया था कि गूगल कैमरा का जो लेटेस्ट वर्जन है उसे आपको कैसे डाउनलोड करना है, एंड मैंने साथ बोला भी था कि कॉन्फिग फाइल कैसे सेट करना है, ये वीडियो आज आ जाएगा। तो भाई ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, एंड कॉन्फिग फाइल कैसे डाउनलोड करना है जाके देख सकते हो मेरे पिछले वाले वीडियो में, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में या चैनल के फर्स्ट नंबर वीडियो ही रहेगा तो उसे जाकर आप वॉच कर सकते हो। एंड हाँ, चैनल पे अगर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट पे कर सकते हो, एंड गूगल कैमरा से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पे जाके वॉच कर सकते हो। अगर सपोर्ट नहीं कर रहा आपके गूगल कैमरा तो प्लेलिस्ट में वीडियो जाके वॉच कर सकते हो, जी के एम गो वाला वीडियो जाके वॉच कर लेना। तो गाइस, आपको प्लेलिस्ट में यहाँ पे जो गूगल कैमरा डाउनलोड है उसके साथ भी मैंने बताया था कॉन्फिग कैसे डाउनलोड करना है, एंड कॉन्फिग फाइल का लिंक आपको वहाँ से मिलेगा। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो तो पोको का है, शाओमी का है। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि भाई कौन सा डाउनलोड करें, भाई दोनों में से किसी एक को भी आप पिक कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। एंड मैं ज़्यादातर जो सजेस्ट करूँगा पोको का ही ले सकते हो, एंड किसी भी डिवाइस में आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करने के बाद तुरंत डाउनलोड हो जाता है, ज़्यादा नहीं सिर्फ 100 KB का या 200 KB का रहेगा, बस इसमें कुछ लिखावट रहता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गूगल कैमरा के लिए। तो भाई इसे आपको डाउनलोड करने के बाद आपके जो गूगल कैमरा उसे आपको इंस्टॉल कर लेना है आपके स्मार्टफोन में। एंड अगर आपके वहाँ पे इंस्टॉल नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा आप मेरे वीडियो जाके वॉच कर सकते हो। एंड ये वाला गूगल कैमरा मिनिमम एंड्रॉइड 11 अपडेट प्लस होना चाहिए, इससे नीचे का डिवाइस में होगा ही नहीं, ठीक है। तो गूगल कैमरा ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, आपके ऊपर मोर सेटिंग्स आपको मिल जाएगा, डॉट पे क्लिक करना है। नीचे आपको मोर सेटिंग्स आपको सिलेक्ट करना है, एंड बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको यहाँ पे। एंड ऑप्शंस में से आपको कुछ भी शेयर करने नहीं करनी, एंड मैं आपको ज़्यादातर सजेस्ट नहीं करूँगा कि इसमें आप ज़्यादातर सेटिंग कीजिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादातर सेटिंग करोगे तो बाद में जो है क्रैश प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो कॉन्फिग फाइल आपको क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा। तो वहाँ पर आपको लोड पे क्लिक करना है, सेव पे आपको क्लिक नहीं करना है। लोड पे जब क्लिक करोगे तो आपका डायरेक्ट फाइल मेमोरी यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ऐसे आपको जहाँ से कॉन्फिग फाइल जो डाउनलोड किया था वो आपको डाउनलोड पे मिल जाएगा, तो डाउनलोड पे सिलेक्ट करना है। एंड जो कॉन्फिग फाइल आप देख सकते हो BSG यहाँ पे कुछ 1.2 XML करके है, जो सेम हमने यहाँ पे डाउनलोड किया था, आप डाउनलोड से मैच करवा लेना। अगर आपको पहले से कॉन्फिग फाइल बहुत सारा है तो देख सकते हो मैंने मैच करवा लिया यहाँ पे, एंड इसको आपको क्लिक करना है। जब इसमें आप क्लिक करोगे तो आपका कैमरा जो है बंद होकर फिर से एक बार रिस्टार्ट होगा, एंड आपका कॉन्फिग फाइल सेट हो सकता है। उसके बाद आप आराम से पिक्चर जो है क्लिक कर सकते हो, एंड वीडियोग्राफी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।